कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल तेज ऐप के बारे में। जैसा आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप आसानी से जो है वो कैसे जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके गूगल तेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आगे सेटअप जो है वो कैसे करना है आपको पहली बार, उसके बारे में जो है आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप गूगल तेज से जुड़ी हुई जानकारियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए। और उसके बाद जब वो हम लोग आप तक इसी तरह की जानकारियां जो वो पहुंचाते रहेंगे। अभी जो वो फर्स्ट सेटअप करने के लिए आपको जो वो वीडियो को अंत तक जो वो देख लेना है और सीख लेना है कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जब वो ओपन करेंगे हमारा गूगल तेज ऐप, जैसा आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप तेज ऐप पे जब वो क्लिक कर दीजिए, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल टी वाला आइकन। उसके बाद जब वो आपको लैंग्वेज का चूज करना है तो लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, मैं इंग्लिश ही जो वो रखने वाला हूँ। यहाँ पर जो वो सबसे ऊपरी ऊपर आपको एक एरो बटन दिख रहा है, आप उस पर जो वो क्लिक कर दीजिए। तो पहली बार हम लोग जब वो सेटअप कर रहे हैं इसको, तो जब वो उसके बाद पूछा जाएगा हमसे हमारे मोबाइल नंबर के बारे में, तो आप जब वो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मैं भी जब वो मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ जो कि मैं एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब वो मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, और उसके बाद जब वो बिल्कुल ऊपर एरो का बटन है वहां पर जब वो क्लिक कर देना है। एरो के बटन पर क्लिक करते ही हमसे जो वो हमारी ईमेल एड्रेस आदि के बारे में जानकारी जो वो ली जाएगी। अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी जो वो डाउन बटन से क्लिक करके जो वो चेंज कर सकते हैं, जो भी हम लोग यूज करना चाहें वो ईमेल एड्रेस। तो हम लोग जो वो हमारा ईमेल एड्रेस चूज कर लेंगे, उसके बाद जो वो कंटिन्यू पे क्लिक जो वो कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो वो प्रोसेसिंग और हमसे जो वो वन टाइम पासवर्ड के बारे में पूछा जाएगा जो कि हमारे मोबाइल नंबर पर आने वाला है। तो मोबाइल नंबर पर जो वन टाइम पासवर्ड हमें प्राप्त हो वो जो वो हमें एंटर करना है। इसके अंदर समय जो वो हमें एक मिनट से लेकर के लगभग दो मिनट जो समय लग सकता है। तो यहाँ पर जो वो प्रोसेसिंग अभी जारी है, अपने आप भी जब वो मैसेज को ओके एग्जेक्ट किया जाएगा, या फिर अगर जब वो मैसेज आपको रिसीव होता है और आपका जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओटीपी एंटर नहीं होता है तो आप थोड़ी देर वेट जो वो कर लीजिए। तो आपके सामने जो वो प्रोसेसिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर में हमें जो वो ओटीपी रिसीव होगा, हम जब उसको एंटर करेंगे, यहाँ पर जो हमारे को दिखाया गया बिल्कुल छह डिजिट का ओटीपी जो वो हमें प्राप्त होने वाला है गूगल की तरफ से, तो उसे जब वो हम लोग एंटर कर लेंगे। हमें हमारा ओटीपी जो वो रिसीव हो चुका है, हम लोग जो उसको एंटर कर देते हैं, और उसके बाद ऊपर दिखाए गए छोटे से राइट हैंड साइड वाले गोल से टिक वाले एरो पे बटन पे जो वो क्लिक कर देते हैं। वहां पर जो वो ओटीपी को चेक किया जाता है, उसके बाद हमसे जो जीपीएस वगैरह को ओके करने के लिए कहा जाता है, उसको अलाउ कर देंगे। और उसके बाद जो वो चेकिंग के बाद हमारा अकाउंट जो है वो एक बार के लिए सेटअप कर दिया जाएगा। उसके अंदर जो वो हमारी हल्की फुल्की डिटेल्स हमसे जो वो पूछी जाएगी पहली बार अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो। और आप जो वो अगर ऐप को ढूंढने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि अभी जो ये लॉन्च हुआ है, तो आप जो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके जरिए जो वो आसानी से डाउनलोड जो वो कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत जो वो नहीं होने वाली है। तो इस तरह जो हमारा अकाउंट जो वो क्रिएट होने के लिए तैयार है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो कौन सा लॉक यूज करना चाहते हैं, तो सबसे सेफ होता है यहाँ पर क्रिएट गूगल पिन का, तो आप जो वो क्रिएट गूगल पिन भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो है वो क्रिएट फोन स्क्रीन लॉक जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम लोग जो वो एक बार के लिए फोन जो है वो उसको यूज कर लेते हैं, तो कंटिन्यू पे जो वो क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो वो हमें सिक्योरिटी पैच जो वो बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग जो यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पैच चाहें वो जो ऐड कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी ऐड लगानी है हमें, जो वो पासवर्ड लगाना है लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो वो अगर सीधा चाहें गूगल पिन के द्वारा, तो पिन पे जो वो क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब वो हमें पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग जब वो हमारा पिन क्रिएट कर लेते हैं, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से टाइप करने के लिए कहा जाएगा, आप चार डिजिट का पिन दोबारा से टाइप कर दीजिए। उसके बाद जब वो आपका जनरेट हो जाएगा, और प्रोसेसिंग के बाद आपको वापस जब वो आपके अकाउंट में लॉगिन जब वो करने से पहले आपको एंटर करने के लिए जो कह सकता है, आपके अकाउंट को कॉन्टैक्ट्स को ओके करने के लिए भी कह सकता है, तो आप जब उसको अलाउ कर दीजिए एक बार के लिए। अलाउ करेंगे तो आप जब वो प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, यहाँ पर जो आपके सामने जो वो प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही है, हो सकता है कोई एरर भी जो वो पहली बार यूज़ करें तो आपको हो सकता है कोई देखने को जो वो एरर मिल जाए। यहाँ पर आपसे दोबारा से जो अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको अकाउंट जो वो अकाउंट का पिन जो है एंटर करने के लिए कहा जाएगा, प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, आपको तेज ऐप में जो वो लॉगिन किया जाता है। यहाँ पर जो वो आपको आगे का सेटअप करने के लिए कहा जाएगा, वो जो है वो होगा आपको पैसा जो वो किसी को कैसे भेज सकते हैं आप, जो पिन वगैरह सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से आप पैसा जो वो भेज सकते हैं क्लिक करके, ये जो वो टैप जो है वो कैश मोड के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप जो आसानी से अपने नज़दीक वाले फ़ोन को जो वो पैसा दे सकते हैं, जिसके लिए आपको डिटेल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो इस तरह के ऑप्शन हो गए। आप ऐड अकाउंट नंबर पर क्लिक करके आपको जो वो ऐड करना है अकाउंट, आसानी से जो वो आप कर पाए।
पाएंगे उसके बारे में हम लोग जो वो आगे वीडियो बताने वाले हैं आपको। तो ये था पहला जो है वो सेटअप कैसे कर सकते हैं आप गूगल ऐप को या फिर गूगल तेज ऐप को। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में डालिए जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड आसानी से जो आप कर पाएंगे।